नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ, आज 23 दिसंबर को राजस्थान में जो VMOU द्वारा RSCIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें आपके कंप्यूटर के टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन की एकदम सटीक और ऑथेंटिक आंसर की देखने को मिलेगी। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूं। और अभी मैंने वहां पे रेलवे आरपी स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक प्लस टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, MS एक्सेस में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। तो वह डेटा टाइप हो जाएगा आपके कैलकुलेटेड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपका मिलान हो जाएगा जो MS वर्ड 2010 है इसका हो जाएगा डॉक्यूमेंट से, MS Excel 2010 ये हो जाएगा आपकी शीट से, MS PowerPoint 2010 है स्लाइड से हो जाएगा, और MS Access 2010 है ये आपके हो जाएगा डाटाबेस से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। तो वो हो जाएगा आपके स्प्लिट विंडो, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, डेटा क्या है। तो डेटा ये कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है, ये सभी आपके डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर वर्ण को डिलीट करने में सक्षम बनाती है। तो डिलीट करने में वो आपकी डिलीट कुंजी हो जाएगी, जो कि कर्सर के दाईं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है, वो कुंजी है आपके डिलीट की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, मान लें कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंटआउट लेते हैं तो ये एकाधिक पृष्ठों में आएगा, और अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंटआउट को MS Excel 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हो, एक ही पेज में, ओके। तो हम इसका उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं फिट शीट ऑन वन पेज, ऑप्शन बी इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये सभी आपके सोशल वेबसाइट हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रकार एक प्रकार के वायर्ड, कौन सा वायर्ड है जो केबल है और जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रोडेड तार की ढाल होती है। तो वो आपका वायर होता है कोएक्सियल, कौन सा होता है कोएक्सियल वायर होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी की का लाभ नहीं है। तो प्राथमिक कुंजी का ये सभी लाभ नहीं है, यानी ये सभी प्राथमिक कुंजी के लाभ है, यानी ये सभी आपके लाभ है, तो इनमें से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, और ये पहला स्टेटमेंट है, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटा पेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुँच प्रदान करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो वो हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से इस प्रकार से आपका कंप्यूटर का उपयोग होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम, पृष्ठ संख्या, इस हेतु हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा पावर विकल्प, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, सब्जेक्ट होता है ये संदेश की सामग्री का
वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में सेटिंग ऐप विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेनू से संबंधित है? तो ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस कीबोर्ड, ये सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो CRT मॉनिटर, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो ई वॉलेट हो जाएगा आपके पेटीएम। डेजी व्हील एक प्रकार का है, डेजी व्हील ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में वांछित संसाधन का URL इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। तो वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पर, कहाँ पर? एड्रेस बार पर। अगला क्वेश्चन है 21, तो आपके सामने यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, MS Excel में सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है, तो फायरवॉल, क्या हो जाएगी? फायरवॉल। अगला यहाँ पे आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का आपको चयन करना है, तो ये क्रम हो जाएगा आपके बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें आपके पैन आएगा, उसके बाद लैन, मैन और सबसे वाइड हो जाएगा ये वैन। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है MS Word 2010 में कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है और रिडू ऑपरेशन के लिए कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? तो वो होता है आपके पाई चार्ट। नेक्स्ट है, MS Word 2010 में आप किसका उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं? जैसे कि अपन लिखते हैं 2^4 है, तो वो होता है आपकी सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? तो गूगल क्रोम है, ये आपका ब्राउजर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी लिनक्स है, MS DOS है, ये सभी आपके विंडो वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो आप एकाधिक विंडोज़ के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हो, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विटेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह और भी देख सकते हैं, ये होता है आपके स्नैप असिस्ट। और अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का उपयोग, तो 3D प्रिंटर होता है भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार का स्टोरेज है? एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है, तो वो होता है आपके क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज होता है, ये एक सेवा मॉडल है, जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? तो वो है आपके केस मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है केस मेमोरी। नेक्स्ट है, 1GB, 1GB में कितने बाइट होते हैं? तो 1GB में कितने MB, सबसे पहले देखने कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB होते हैं। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? वो भी 1024। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 बिलियन बाइट। और अगला क्वेश्चन नंबर 33, MS Excel 2010 में आप डेटा आयात कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी से आप डाटा है वो आयात कर सकते हो। URL का सही उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन ए। मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप MS Excel 2010 में खोलते हैं, तो ये खुलेगी, तो ये खुलेगी प्रोटेक्टेड व्यू में। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं 35 क्वेश्चन। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी ये आंसर की आपको PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF फाइल ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही इस प्रकार से लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।